हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप लोग देख सकें। तो जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं ज्ञान को स्नान कराने जा रही हूँ, नहाने जा रही हूँ। तो क्योंकि आज धूप बहुत तेज़ है, विंटर सीजन चल रहा है, तो इस तरह के बच्चे को हम अगर धूप निकलता है तो नहाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि धूप में बच्चे को बैठाकर आराम से नहा सकते हैं। क्योंकि इस तरह का बच्चा जो होता है ज़्यादातर घुटने के बल और पैरों को घिसते हुए चलता है। जैसे मेरा बाबू भी वैसे तो जूता पहनाकर चलाते हैं, लेकिन अगर एक मिनट के लिए भी जूता को खोले तो वो पैर के बल घिसता है, तो पैर जो होता है इस तरह के बच्चे का ज़्यादा घिसाता है। तो इसलिए हम बाबू को आज धूप में नहा रहे हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, तो अच्छे से सारी गंदगी, इसके पैर वैर का जो होता है मैल वगैरह सब निकालना है मुझे। तो आज थोड़ा टाइम लगाकर नहाएंगे बाबू को, तो मुझे लगा कि मैं शेयर करूं ताकि आप लोगों को किसी को हेल्प हो सके कि मैं किस तरह से अपने बाबू को, जैसा कि मेरा बाबू एक सेरेब्रल पाल्सी बच्चा है, तो इस तरह के बच्चे को नहाने में, जब बच्चा था छोटा था तो मैं गोद में लेके इसे नहा लेती थी, लेकिन अब बड़ा हो गया। वैसे मेरा बाबू नीचे भी बैठकर नहा लेता है, लेकिन अगर कुर्सी पर बैठा दिए ना तो आराम से चुपचाप बिना हिले डुले बैठता है। आराम से मैं इसके सारे हाथ पैर में आराम से साबुन से लगाकर इसे नहा सकती हूँ, तो इसलिए मैं उसे चेयर पर ही बैठा कर नहाती हूँ। तो देख सकते हैं बाबू को नहाने के लिए मैंने गर्म पानी कर लिया है, क्योंकि बच्चा है, इस तरह का बच्चा थोड़ा सा नाजुक होता है, इसलिए गर्म पानी से ही नहाते हैं। तो ठंडा पानी मैंने गर्म पानी को मिक्स कर दिया है, और बाबू के लिए आज बाबू को हेयर वॉश भी करना है, क्योंकि अच्छा दो तीन दिन से मैं बाबू का हेयर वॉश नहीं कर रही थी। वैसे तो मैं बाबू को, विंटर सीजन भी है, फिर भी मैं एक दो दिन गैप करके नहा ही देती हूँ, क्योंकि नहाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं नहाते विंटर सीजन में तो उलेन का कपड़ा बच्चे को पहनाते हैं, तो इससे बच्चे के शरीर में खुजली वगैरह होती रहती है, जिससे अगर दो से तीन दिन अगर हम बाबू को नहीं नहलाते हैं तो ये खुजली इसके शरीर में पूरा रात में सो नहीं पाता है। तो आप देख सकते हैं धूप कितनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए ज्ञान को भी आज मज़ा आ रहा है। और छत पे जब भी नहाएं तो अगर हवा चल रही हो तो बिल्कुल भी ना नहाएं, क्योंकि खुले में और हवा में, खुले में हम नहा सकते हैं, लेकिन हवा अगर चलता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हवा में नहीं नहाना चाहिए बच्चे को। लेकिन आज बिल्कुल भी हवा नहीं है और धूप तो इतना तेज़ निकला है ना, तो ये लगभग 9 से 10 बजे का टाइम हो रहा होगा, तो मैं बाबू को आज इस तरीके से नहा लेती हूँ। तो देख सकते हैं बाबू के पैर में कितनी गंदगी लगा के रखा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने इसका सूज उतारा था, सुबह में एक दो घंटे सूज पहनाती हूँ। तो देख सकते हैं जैसे सूज उतारा, ये घोड़ा बनकर इधर उधर घुरकने लगा, तो इस तरीके से इसके पूरे पैर में धूड़ी लग चुका है। तो मैं इसे साबुन से, तो अभी तो जैसा कि कोरोना का समय है, पहले मैं बाबू को जॉनसन साबुन यूज करती थी, लेकिन जब से ये कोरोना आया है तो मैं डिटॉल साबुन से ही बाबू को नहलाती हूँ। और ये गर्म पानी से अगर आप इस तरीके से गंदगी छोड़ाते हैं तो बाबू के जो होता है गंदगी, देख सकते हैं घुटने पे और पैरों पे कुछ ज़्यादा गंदगी हो जाती है, क्योंकि घुटने के बल बाबू मेरा चलता है ज़्यादातर, तो इस तरीके से घुटने पर ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है। तो इस तरह के बच्चे के जो होते हैं थोड़े से पैर हाथ को टाइट करते हैं, लेकिन पहले तो बहुत मेरा बाबू टाइट करता, लेकिन अब बहुत ही सही है। और इस तरीके से मैं बाबू के पूरे शरीर में इस तरीके से हाथ, और मैं हाथ में भी वो हाथ के बल, क्योंकि ज़्यादातर तो वो हाथ को घसीटता हुआ रहता है, इसलिए हाथ में भी उसकी गंदगी बढ़ जाती है। इस सब चीज़ों पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर गंदगी को हम बराबर साफ़ ना करें, रेगुलर अगर साफ़ नहीं करते हैं तो गंदगी ज़्यादा बैठ जाती है। इसलिए ये सब चीज़ जो है रेगुलर बिल्कुल साबुन लगाकर बच्चे के हाथ और पैर को अगर नहीं भी नहलाते हैं, जिस दिन ज़्यादा ठंड का मौसम होता है, धूप नहीं निकलती है, तो गर्म पानी से मैं बाबू के हाथ और पैर में साबुन से अच्छी तरह से मालिश करते हुए गंदगी ज़रूर निकालती हूँ। क्योंकि अगर हम लोग ध्यान नहीं देते तो खुद से बच्चा कुछ नहीं कर पाता है, और ज़्यादातर ये घुटने के बल, हाथ के बल चलता है। तो मैं इस तरीके से बाबू पर मैं केयर करती हूँ बाबू की, ताकि इसके शरीर पे जो भी है गंदगी ना बैठ पाए। तो देख सकते हैं इस तरीके से भी बहुत इजी होता है बच्चे को नहाना। ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम होती है नहाने में, शावर देने में, तो इस तरीके से आप बच्चे को नहला सकते हैं चेयर पर बैठा के, बहुत ही इजी है। और मैं बाबू के पानी में ये डिटॉल डाल देती हूँ, और जैसा कि कोरोना का डर से तो सब वैसे भी डिटॉल तो डालते ही हैं, लेकिन ये कोरोना के कारण कुछ ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है,
तो देख सकते हैं बाबू कितनी अच्छी तरह से, मेरा बाबू बहुत समझता है, सब कुछ समझदार हो चुका है। और इस तरीके से मैं बाबू को शैम्पू लगाती हूँ। तो जैसा कि शैम्पू लगाने के बाद अगर हम पूरे शरीर में इस तरह से सीधा बैठा कर अगर पानी डालते हैं तो उसका पूरे बॉडी में आँखर में पानी जा सकता है। तो मैं बाबू को इस तरीके से चेयर के इस कॉर्नर पे इधर बैठा घुमा कर बैठा देती हूँ। और पूरा शैम्पू से हेयर वॉश करने के बाद मैं बस बाबू को बोलती हूँ आँख बंद रखना बेटा, जब पानी डालने लगते हैं तो बाबू मेरा आँख बंद रखता है और मैं पानी डालकर बाबू का हेयर वॉश अच्छी तरह से कर लेती हूँ। क्योंकि हेयर वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को, रेगुलर तो नहीं कीजिए लेकिन सप्ताह में 2 से 3 बार हेयर वॉश तो ज़रूर ही कर देना चाहिए। तो देख सकते हैं ज्ञान को कितनी मस्ती लग रही है और ज्ञान का हेयर भी कुछ ज़्यादा बड़ा हो चुका है। बस ज्ञान कल आज सैटरडे था इस कारण मैं बाबू का हेयर कट आज ही करवाती लेकिन कल करवाएंगे। तो इस तरीके से मैं बाबू के हेयर वॉश कर देती हूँ। पूरा बिल्कुल मालिश करना पड़ता है क्योंकि देख सकते हैं छटपट करता है। वैसे तो हर बच्चा ही है जो छटपट करता है नहाने के वक्त, तो देख सकते हैं ज्ञान भी इस तरीके से छटपटा रहा है। लेकिन जब भी मैं जो भी बोलती हूँ तो देख लीजिए अब ये बाबू मेरा आँख बंद करो, आँख बंद करो, आँख बंद रखना, आँख बंद रखना, आँख बंद रखना, आँख बंद रखना है, चलो अब इसको खोलो जल्दी से, जल्दी से खोलो। तो हम नहला दिए हैं और ये जिद करने लगा कि मैं भी नहाऊंगा, तो मैं भी इसे थोड़ी देर के लिए दे देती हूँ ताकि ये खुद से भी सीख पाए। तो ये देखिए हल्का हल्का ये पानी लेकर खुद से नहा रहा है। तो यहाँ पे मैं ज्ञान का हेयर और बॉडी को अच्छी तरह से पोछ दी हूँ क्योंकि विंटर सीजन है इसलिए जल्दी से पोछना ज़रूरी है, तो इसे पोछ दिए हैं। वैसे धूप काफ़ी तेज़ है, ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और अब मैं आगे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगी कि मैं बाबू को कौन सा तेल से मालिश करती हूँ, किस तरीके से बाबू की मालिश और बॉडी केयर करती हूँ। तो थैंक यू।